जयपुर में एक आलू प्याज पनीर की सब्जी मिलता है जो बहुत फेमस है। मैं ये दावा बिल्कुल भी नहीं करूंगी कि मैंने वही ऑथेंटिक आलू प्याज की सब्जी बनाई है, नहीं, मैंने थोड़ा सा अल्टरेशन किया है अपने हिसाब से, पर फिर भी बहुत यम्मी बना था। वेलकम टू टेबल ट्रीट विद सुतापा। इसके लिए पनीर के थोड़ा बड़े बड़े क्यूब्स हमें ले लेना है और ये छोटा वाला प्याज हमें लेना है। जो सांभर अनियन है वो अगर मिले तो बहुत अच्छा, नहीं तो छोटे साइज के प्याज हमें लेना है। और फिर आलू को इस तरह से हमें चार टुकड़ों में काट लेना है। अब बेबी पोटैटोज भी ले सकते हैं। बेबी पोटैटोज को ऐसे ही साबुत रखना है। अब ये आलू हमें डीप फ्राई कर लेना है। हमें ऑलमोस्ट 10-12 मिनट तक एकदम लो हीट में हमें आलू को डीप फ्राई करते जाना है ताकि हमारा जो आलू है वो 100% कुक्ड हो जाए। हीट को हमें लगातार लो ही रखना है, अदरवाइज आलू बाहर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। 10-12 मिनट के बाद हम आलू को तेल से निकाल के रख देंगे। अब हम साबुत प्याज को फ्राई कर लेंगे और ये प्याज को हमें ज़्यादा नहीं 2-3 मिनट तक फ्राई कर लेना है, वो भी एकदम लो हीट में। अच्छे से प्याज फ्राई हो जाए फिर प्याज को भी हम तेल से निकाल के रख देंगे। अब हम फ्राई करेंगे पनीर को। पनीर को एकदम हाई हीट में हमें फ्राई करना है, बस 1-1.5 मिनट में ही पनीर के ऊपर बहुत अच्छा सा एक कलर आ जाएगा। और पनीर को कभी भी ना लो हीट में नहीं फ्राई करना चाहिए, नहीं तो पनीर के सारे मॉइस्चर निकल जाता है और पनीर बहुत ही ज़्यादा च्यूवी और रबर जैसे बन जाता है। पनीर को भी निकाल के रख देंगे। अब एक पेस्ट बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक बहुत बड़ा साइज का टमाटर लिया है, मीडियम हो तो 2 ले लीजिएगा। 2 कश्मीरी मिर्च को मैंने 1 घंटा गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। अब आधा प्याज हमें इसमें ऐड कर देना है और मैंने 1 टीस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप अदरक और लहसुन ऐड कर दीजिएगा। फिर 5-6 काजू के टुकड़े हम ऐड करेंगे और इन सब को मिला के बिना पानी के एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब एक कढ़ाई में हमें 2 करछी तेल डाल देना है, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। फिर इसमें हम दालचीनी, छोटी इलायची और लौंग डालेंगे और 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे। और जीरा जैसे ही क्रकल होना शुरू हो जाए फिर हम इसमें जो हमने पेस्ट बना के रखे थे वो पेस्ट ऐड कर देंगे। गैस के फ्लेम को एकदम लो रखेंगे और ये वाले जो पेस्ट है इसमें सारे इंग्रेडिएंट कच्चे हैं तो सबको हमें पकाना है। अब इसमें हम 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून हल्दी डाल दिया है। कश्मीरी लाल मिर्च आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। अब इसको 1-2 मिनट तक सौते कर लेंगे, फिर इसमें लिड लगा के 5-7 मिनट लो हीट में हम इसको पका लेंगे। 7 मिनट के बाद जो पेस्ट है इसमें से पानी सारा सूख गया है और इसमें से तेल लूज आउट होना शुरू हो गया है, मतलब हमारा प्याज और टमाटर ये मसाला बहुत अच्छे तरह से पक गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून फैटी हुई दही और इसी दही में मैंने स्वाद अनुसार नमक भी मिला दिया था। दही को बहुत अच्छे तरह से हम लो हीट में तब तक मिलाते जाएंगे मसाले के साथ जब तक ना इसमें से तेल उजाउट होना शुरू हो जाए। इस वाले ग्रेवी में जो दही और टमाटर हम यूज करेंगे वो बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये जो सब्जी है इसका टेस्ट बिल्कुल बिगड़ जाएगा। अब जैसे कि पेस्ट से दोबारा तेल उज आउट होना शुरू हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। अब झटपट सारे चीज़ों को और एक बार मिला लेंगे और 1 मिनट के लिए हम लो हीट में सौते करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी।
आधा कप पानी बहुत है ये वाले सब्जी के लिए, क्योंकि ये तरीदार तो होता नहीं है, बहुत ही थिक ग्रेवी वाला सब्जी बनता है। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे जो भी हमारा फ्राइड आलू प्याज पनीर था वो। मैंने ऑलमोस्ट 90% ये ऑथेंटिक जयपुरी आलू प्याज पनीर की सब्जी का रेसिपी को फॉलो किया है, बट थोड़ा सा कुछ कुछ जगह है जो नहीं किया, जैसे इसमें कच्चा हल्दी डालता है जो मैंने नहीं दिया है। अब लीड लगा के लो हीट में हमें 5-7 मिनट पकाना है, फिर हमारा ये आलू प्याज पनीर की सब्जी एकदम रेडी हो गया है। अब ऊपर से हमें हरा धनिया ऐड कर देना है, और जो मैं हमेशा करती हूँ, गैस को ऑफ करके सर्व करने से पहले 10 मिनट इसको ऐसे ही ढक के रख दीजिए। अब इसको रोटी पराठा पूड़ी के साथ खाइए और बताइए मुझे कैसा लगा ये रेसिपी। अच्छा लगा तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए मेरे वीडियोस।